हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खीर की रेसिपी। ये मेरे राइस हैं जो मैंने 3-4 बार वॉश कर लिए हैं अच्छे से। ये मेरे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मेरी इलायची पाउडर है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम का। गैस मैंने ऑन कर दी है, इसको उबाल आने तक हम ऐसे ही पकाएंगे। तब तक मेरा दूसरी गैस पर बॉईल हो रहा है दूध, तब तक मैं थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूंगी। मैं काजू को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। किशमिश मैं नहीं करूंगी, मैं किशमिश ऐसे ही डालूंगी खीर में। उन्हीं चावल में से मैंने ये कुछ चावल लिए हैं, निकाल लिए हैं, इनको भी मैं थोड़ा घी में रोस्ट करूंगी। ये देखिए मेरे राइस भी रोस्ट हो गए हैं घी में, और इनको हम मिक्सी में पीसेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से रोस्ट करने से राइस बहुत अच्छा खीर में टेस्ट आता है, आप भी करके देखना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, इसको हमें ऐसे ही चलाना है अभी 2-3 मिनट। ये कुछ मैंने केसर लिया, मैं इसमें 1 चम्मच बॉयल दूध डाल दूंगी, और ये मैं बाद में खीर में यूज करने वाली हूँ, इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये जो मैंने राइस वॉश करके रखे हुए थे वो मैं दूध में ऐड कर देती हूँ। एक चम्मच के करीब मैंने काजू ली है, इसमें मैं 1 चम्मच बॉयल हुआ दूध डाल देती हूँ। काजू में मैंने 1 चम्मच दूध डाल दिया बॉयल हुआ। अब मैं इसमें जो मैंने रोस्ट किए हुए थे राइस वो भी ऐड कर देती हूँ, और मिक्सी जार में मैं इसको पीस लूँगी, फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका। मैंने जो काजू और राइस का पेस्ट बनाया है वो मैं खीर में ऐड कर दूँगी, इससे खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने केसर मिक्स करके रखा था दूध में, वो ऐड कर रही हूँ मैं। इसे देखिए कलर भी और टेस्ट भी कितना अच्छा आएगा हमारा। इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी खीर में। देखिए फ्रेंड्स, मेरी खीर तैयार हो चुकी है। मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, आप कम ज़्यादा शुगर कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कितना आप मीठा लेते हैं। मैंने शुगर ऐड कर दी है, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और मैं सर्व करके दिखाती हूँ अभी आपको। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, खीर सर्व करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी खीर तैयार हुई है मेरी, एकदम परफेक्ट, कोई राइस का दाना अलग अलग नहीं दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी खीर एकदम तैयार हो चुकी है। वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।